तो आईपीएल 2022 का मैच नंबर 30 राजस्थान रॉयल्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा 18 अप्रैल 2022 मंडे को। यह मैच काफ़ी शानदार काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है, जहां यह मुकाबला मुंबई के ब्राबोर्न ने क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे से यानी कि 7:30 PM से यह मैच स्टार्ट होने वाला है। जहाँ एक तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम है जिसे आईपीएल 2022 में शानदार शुरुआत मिलने के बाद आखिरी दो मुकाबले लास्ट दो मैचेस लगातार बैक टू बैक हारकर आ रही है। एक मैच दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ और अपने आखिरी मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 7 विकेट के बड़े अंतर से। अब ऐसे में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम इस मैच में जीत की पटरी पर उतरना चाहेगी श्रास अय्यर की कप्तानी में। वहीं दूसरी ओर है राजस्थान रॉयल्स, जहां संजू सैमसन की कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने अभी तक शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन पिछले मुकाबले में इस टीम को भी हार मिली थी, जहां गुजरात टाइटंस के खिलाफ इस टीम को 37 रन से करारी हार मिली थी। अब इस मैच को लेकर दोनों ही खेमों से बड़ी अपडेट है, जहां राजस्थान रॉयल्स के जबरदस्त तेज के बाद ट्रेंट बोल्ट लास्ट मुकाबला नहीं खेले थे इंजरी की वजह से, लेकिन अब इस मैच से पहले ये फिट हो चुके हैं और इस मैच की सिलेक्शन के लिए ये अवेलेबल है। वहीं दूसरी ओर कोलकाता नाइट राइडर्स के जबरदस्त युवा तेज के बाद राशिक सलाम इंजर्ड हो गए थे और वो पूरे आईपीएल 2022 से बाहर हो गए थे और उनकी जगह पर रिप्लेसमेंट के तौर पर हर्षित राणा को केकेआर की टीम में शामिल किया गया है। तो हर्षित राणा केकेआर के स्क्वाड में शामिल हो चुके हैं ऑफिशियल तौर पर। अब अगर हम इस मैच से पहले दोनों ही टीमों के आंकड़ों पर नजर डालें तो केकेआर वर्सेज राजस्थान रॉयल्स के बीच आखिरी जो 10 आईपीएल मुकाबले खेले गए, यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने 10 में से 7 मुकाबले शानदार तरीके से जीते, तो वहीं राजस्थान रॉयल्स की टीम को मात्र 3 ही मैच में पिछले 10 मुकाबलों में केकेआर के खिलाफ जीत मिली है। तो इस वीडियो में आगे इस मुकाबले के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग 11 आपको बताने वाले की क्या क्या चेंजेस और बदलाव होंगी और किस रणनीति के साथ दोनों टीम मैदान पर उतरेंगी, जबकि इस मैच की मैच प्रीव्यू, पिच रिपोर्ट, वेदर कंडीशन और हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के बारे में पूरी विस्तार से बात करेंगे कि आखिर किसका पलड़ा भारी है, जबकि इस मुकाबले की मैच विन प्रिडक्शन की बात करने वाले हैं कि आखिर यह मुकाबला कौन सी टीम जीतने वाली है। तो यह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वहीं इस सीजन आपके लिए लाए हूं सबसे बेस्ट ऐप जिसका नाम है A23। यहां दिल से खेलो, दिमाग से जीतो। इस इंडियन T20 लीग में आप भी अपनी टीम बनाकर 1 करोड़ तक जीत सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करो A23.com से इस ऐप को या फिर डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक दिया गया है। बनाओ अपनी टीम और जीतो ढेर सारे इनाम। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क। अब बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेज राजस्थान रॉयल्स के बीच आईपीएल का ये मैच नंबर 30 18 अप्रैल को खेला जाएगा मुंबई के ब्राबोर्न क्रिकेट स्टेडियम में, जहां इस मैदान पर अब तक आईपीएल 2022 के टोटल 7 मैचेस अभी तक खेले जा चुके हैं, जहां इस मैदान पर पहले इनिंग्स में बल्लेबाजी करने वाली टीम को जीत मिली है 3 मुकाबलों में, तो वहीं चेस करने वाली टीम को यानी कि सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करने वाली टीम को 4 मुकाबलों में शानदार जीत मिली है। जहां इस मैदान का अब तक आईपीएल 2022 में पहले इनिंग्स में बल्लेबाजी करने वाली टीम का एवरेज स्कोर रहा है 185 रन, जहां इस मैदान पर अब तक आईपीएल 2022 में सबसे हाईएस्ट सबसे बड़ा स्कोर दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने बनाया था 215 रन, तो वहीं इस मैदान पर सबसे लोवेस्ट सबसे छोटा स्कोर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने बनाया था 126 रन, जहां कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम फिलहाल अंक तालिका में इस टाइम पर नंबर 6 पर मौजूद है, जहां इस टीम ने टोटल 6 मैचेस खेले अभी तक और इन 6 मैचों में से 3 में जीत मिली है और 3 मैचों में इस टीम को हार मिली है, टोटल 6 अंक इस टीम के हैं। वहीं दूसरी ओर है राजस्थान रॉयल्स की टीम जो फिलहाल अंक तालिका में नंबर 5 पर है और ये टीम अभी तक टोटल 5 ही मुकाबले खेली है, जहां 3 में जीत और 2 मैचों में इस टीम को हार मिली है, इस टीम के भी टोटल 6 अंक हैं। तो ये लड़ाई होने वाली है नंबर 5 और नंबर 6 की। अब चलिए बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स दोनों ही टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के बारे में कि आखिर अब तक किसका पलड़ा भारी रहा है। तो आईपीएल के इतिहास में इन दोनों टीमों के बीच अभी तक टोटल 25 आईपीएल मुकाबले खेले जा चुके हैं, जहां इन 25 मैचों में से 13 मैचों में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को जीत मिली है, तो वहीं मात्र 11 मैचों में राजस्थान रॉयल्स की टीम को जीत मिली है और 1 मैच नो रिजल्ट रहा है। तो यहां पर लगभग दोनों टीम बराबरी पर दिखाई दे रही है, हालांकि थोड़ा सा पलड़ा केकेआर का जरूर भारी दिखाई दे रहा है। बात करें हाईएस्ट स्कोर और लोवेस्ट स्कोर की, तो कोलकाता नाइट राइडर्स का सबसे हाईएस्ट स्कोर रहा है 191 रन और सबसे लोवेस्ट स्कोर 125 रन जाए राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अब तक आईपीएल के इतिहास में। तो वहीं राजस्थान रॉयल्स का सबसे हाईएस्ट स्कोर 199 रन जाए और सबसे लोवेस्ट स्कोर 81 रन जाए। गैरतलब है कि इन दोनों टीमों के
बीच आखिरी साल यानी कि साल 2021 में दो मैचेस खेले गए थे और एक मैच में केकेआर की टीम को जीत मिली थी और एक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की टीम को जीत मिली थी। पर अब बिना समय गवाए हुए चलिए बात करते हैं केकेआर वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच होने वाले आईपीएल के मैच नंबर 30 के लिए दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11। तो कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 कुछ इस तरह से होने वाली है। सलामी जोड़ी के तौर पर नंबर 1 पर आरोन फिंच होंगे ऑस्ट्रेलिया के जबरदस्त विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज जो करेंगे पारी की शुरुआत। पिछला मुकाबला खेले थे लेकिन कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। बात करें नंबर 2 की तो नंबर 2 पर वेंकटेश अय्यर ऑलराउंडर जबकि नंबर 3 पर श्रेयस अय्यर कोलकाता नाइट राइडर्स के जबरदस्त युवा कप्तान। वहीं नंबर 4 पर नीतीश राणा जबकि नंबर 5 पर आंद्रे रसल जबरदस्त विस्फोटक ऑलराउंडर और नंबर 6 पर शेल्डन जैक्सन विकेट कीपर बैट्समैन। नंबर 7 पर सुनील नारायण बेहतरीन स्पिनर ऑलराउंडर और नंबर 8 पर पैट कमिंस बेहतरीन बॉलिंग ऑलराउंडर। अगर हम बात करें नंबर 9 की तो नंबर 9 पर उमेश यादव तेज गेंदबाज जो शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और नंबर 10 पर अमान हकीम खान या फिर शिवम मावे इन दो युवा खिलाड़ियों में से किसी एक को खिलाया जाएगा। बात करें नंबर 11 की तो नंबर 11 पर मिस्ट्री स्पिनर यानी कि वरुण चक्रवर्ती। तो यदि केकेआर की प्लेइंग 11 इस मैच के लिए बात करें राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 की तो एज अ ओपनर नंबर 1 पर जबरदस्त विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज जोश बटलर जो शानदार जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं अब तक काफी ज्यादा रन इन्होंने बनाए अपने बल्ले से। नंबर 2 पर देवधर पड्डीकल या फिर यशस्वी जायसवाल इन दो युवा ओपनर बल्लेबाजों में से किसी एक को खिलाया जाएगा। बात करें नंबर 3 की तो नंबर 3 पर संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स के युवा कप्तान। नंबर 4 पर साइफ फंडल दुसान वहीं नंबर 5 पर सेवरन हिटमायर जो जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं काफी शानदार विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं। अगर हम बात करें नंबर 6 की तो नंबर 6 पर रियान पराग वहीं नंबर 7 पर रविचंद्रन अश्विन बेहतरीन स्पिनर ऑलराउंडर और नंबर 8 पर ट्रेंट बोल्ट जबरदस्त तेज गेंदबाज जबकि नंबर 9 पर कुलदीप सेन और उसके बाद नंबर 10 पर प्रासिद कृष्णा नंबर 11 पर युजवेंद्र चहल जबरदस्त स्पिनर। तो ये राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 इस मुकाबले के लिए जहां दोनों टीमों की वैसे तो संभावित प्लेइंग 11 है लेकिन लगभग 100% कंफर्म है कि यही प्लेइंग 11 दोनों टीमों की इस मुकाबले में होने वाली है। अब चलिए बात करते हैं इस मैच की मैच विन प्रेडिक्शन के बारे में कि आखिर यह मुकाबला कौन सी टीम जीत सकती है, क्या जीतेगी राजस्थान रॉयल्स की टीम या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम यह मुकाबला जीतेगी। तो इस मैच को लेकर हमारी प्रेडिक्शन यह है कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम थोड़ी अपर हैंड दिखाई दे रही है और यह मुकाबला केकेआर की टीम जीत सकती है, उसके जीतने के चांस थोड़े ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यह मुकाबला जीत तो राजस्थान रॉयल्स की टीम भी सकती है जिस टीम में एक से बढ़कर एक शानदार जबरदस्त प्लेयर मौजूद है। इसको लेकर आप क्या को सोचते हैं, आपको क्या भविष्यवाणी है कमेंट बॉक्स में।